नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, मैं कुमार अश्मित, आज मैं खड़ा हूँ कटिहार के न्यू मार्केट में। मैं लेके चलता हूँ जो सब्जी मंडी का जो अभी स्थिति है। देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, लोग घर से कम आ रहे हैं, आवाजाही कम हो रहे हैं, मार्केट की जो स्थिति है वो पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा असर पड़ता है यहाँ के सब्जी वालों को। तो आइए मैं लेके चलता हूँ सब्जी वालों के पास और जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, जो आर्थिक जो मार पड़ी है वो कैसी पड़ी है, क्या पड़ी है, लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान हुआ और क्या क्या हुआ। कोरोना इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि लोग पूरी तरह से डर चुके हैं, लोग घर से आवाजाही कम कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है यहाँ के छोटे मोटे दुकानदारों को, यहाँ के सब्जी दुकानदारों को, यहाँ के फल दुकानदारों को। एक वो दौर था जो लोग यहाँ पे आते थे, था कि लोग न्यू मार्केट में आते थे, पूरी एकजुट होती थी, भीड़ होती थी, लोग ऐसा इनको ये पता नहीं था कि ऐसी कोरोना एक बीमारी आएगी और लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगी। और ख़ासकर अभी जो कोरोना का जो काल है वो लोगों को पूरी तरह से कमज़ोर कर चुका है, पूरी तरह से झिझोड़ चुका है यहाँ के लोगों को। तो ज़रा देखते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। ज़रा नाम बताइएगा अपना। नाम श्री राम शाह है। तो अभी तो जैसा कोरोना जैसा वैश्विक महामारी चल रहा है, इससे किसी को पता नहीं था कि ये कोरोना आएगा और पूरी तरह से चौपट कर देगा। तो आप अभी, आपका जो मार्केट का स्थिति है वो क्या है, लॉकडाउन का क्या असर हुआ है आपके? लॉकडाउन का बहुत असर पड़ा है अभी हम लोगों का, दुकानदारी भी हम लोग का बहुत चौपट हुआ है। वैसा दुकानदारी भी नहीं है पहले जैसा दुकानदारी था वैसा है नहीं। ज़रा बताइए अपना नाम बताइएगा। राजा। अभी जैसे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है मार्केट का और कोरोना काल है? मतलब पहले के मामले में अभी कितना हो रहा है? होता तो नहीं हो रहा, मतलब जो हो रहा, मतलब चल रहा। बताइएगा नाम। सोनू शाह। लॉकडाउन असर तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण अच्छा रहा, ये छठा और पाँचवा हम लोग का जा रहा बुरा स्थिति, जिसमें रोजी रोजगार भी एकदम मर रहा, हम लोग का बाल बच्चा ही भूखे मर रहा। अभी 5 बजे सुबह से आए हैं, अभी तक 200 रुपया भी कमाई नहीं हुआ होगा। भिंडी लिए 1400 रुपया में और ये अमरूद लिए 1000 रुपया क्विंटल में, जो कि 10 रुपये किलो भी बेच रहे हैं और भिंडी भी बेच रहे हैं 15 रुपये किलो। बहुत बुरा स्थिति हम लोग का, ये छठा चरण जो जा रहा है बहुत। बताइए अपना नाम। बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, तो इस दरमियान आपको क्या क्या समस्याएं आई? समस्या तो बहुत सारा है, क्या कि दुकान तो लगाने मिलता नहीं जल्दी, ऊपर से कस्टमर भी नहीं आ रहा बाहर का, और पेकार उकार जो ले जाता था थोक में वो सारा भी बंद है। इस प्रकार से प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारा हो गया, कर्ज भी बढ़ गया है, आमदनी कुछ भी नहीं है अभी। मतलब महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम है। आमदनी कम है और कस्टमर आ ही नहीं रहा है, दिन भर में मुश्किल से 500-600 का दुकानदारी होता है, वो बाजार में ही रह जाता है। रोड पर बेचते हैं, इधर से उधर भगाता है, कमाई नहीं होता है, गरीब आदमी है, यही सब समस्या, पेट नहीं भरता है, पूरी गम लॉकडाउन सबको पूरा बैठा दिया। चलिए धन्यवाद। देखा आपने क्या जी, जिनको दिन दिन भर खाली बैठना पड़ता है। और भी आइए, यहाँ के कुछ जो ठेले पे दुकानदारी करते हैं, फल के दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं। तो बताइए अपना नाम बताइए। किशन कुमार मेरा नाम। अभी लॉकडाउन का दरमियान आपको क्या आर्थिक मार जो पड़ा है वो किस तरीके से पड़ा है? पूरी तरीका हाल खराब, कस्टमर सब नहीं आ रहा है, दुकानदारी नहीं हो रहा है, थोड़ा देरी पर कस्टमर सब आ रहा है। मतलब कि कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि दिन दिन भर बैठना पड़ जाता हम लोग का। आप लोग काफ़ी परेशान हैं लोग। ज़रा भाई जी अपना नाम बताइएगा। राजा कुमार। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इस दरमियान आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं और क्या क्या, इससे पहले क्या था मार्केट का स्थिति आपका? इससे पहले बहुत बढ़िया था, अभी बहुत स्थिति खराब चल रहा है। अभी खाने का उम्मीद नहीं हो रहा है, दुकानदारी करने का कस्टमर नहीं आ रहा बढ़िया से, एक सामान 4 दिन के बाद बिकता है,
मेरे पास समस्या ये सर कि चार महीना से हम लोग इतना परेशान है कि नहीं एक रुपया कमा सकते हैं ना खा सकते हैं। मेरा नाम है किशन प्रसाद केसरी, मैं पटना का रहने वाला हूँ। जय मैं यहाँ अप डाउन सर का चलते मैं फंसा हुआ हूँ कि मैं ना बस मिल रहा है ना गाड़ी मिल रहा है, मैं जा सकता हूँ कैसे? रोड पर सूखते हैं आज 40 का किराया देते हैं। जय मेरा ये परेशानी है, स्थिति खराब हो चुका है कि लोग बताने पर उनको डर लग रहा है, क्योंकि लोग जो हैं पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोगों को खाने की समस्या आ चुकी है, मतलब भुखमरी की समस्या आ चुकी है। ये लॉकडाउन जो ऐसा स्थिति पैदा किया है कि आप देख सकते हैं ये मार्केट का दिखने में जैसा लग रहा है वो मार्केट वैसा नहीं है। मतलब लोग इस तरह से प्रभावित हुए हैं कोरोना काल में लॉकडाउन का वार लेकर कि लोग बोलने में हिचकिचाहट आ रही है लोगों की, मतलब कि लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। दुकानदार जो अपने स्थाई में दुकान करते हैं, और एक होते हैं जो साइकिल से जगह जगह जाके अपना सामान बेचते हैं, फल बेचते हैं। तो आइए उस छोटे से जो दुकानदार हैं साइकिल वाले, उनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन में क्या स्थिति हुआ है, ज़रा बताइए अपना नाम। राजेश कुमार सैनी। अभी जो लॉकडाउन लगा है और ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, तो इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? काम तो नहीं है, चल रहा है किसी तरीका से, प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ा ही है, लेकिन क्या करेंगे जब ऐसा बीमारी है तो उससे बचना ही पड़ेगा ना। दिन भर में अब मतलब कितना पहले होता था सेल और अब कितना होता है? सेल दिन भर में पहले 70 किलो 80 किलो बेच लेते थे, अभी 50 किलो 40 किलो ऐसे ही बेचना पड़ता है। अभी मतलब अभी हाफ में आ गया, मतलब आधा हो चुका है, आधा से कुछ कम। तो आपने सुना यहाँ के जो छोटे मोटे जो साइकिल दुकानदार देखा कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं इस कोरोना काल में, और लॉकडाउन लेकर लोग कितनी तरह से प्रभावित हुए। तो ऐसी खबर एमबी न्यूज़ 27 आप तमाम लोगों के बीच हर वक्त लाता रहेगा। 7 बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।